नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने दोस्तों की। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। इज्जतनगर मंडल के 3 स्टेशनों का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। इज्जतनगर मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। 6 तारीख को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन स्टेशनों का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। इसमें फर्रुखाबाद, कासगंज और लालकुआ रेलवे स्टेशन शामिल हैं। ये जानकारी इज्जतनगर मंडल की डीआरएम रेखा यादव ने मीडिया को दी। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष अजय शुक्ला के निवास पर जश्न मनाया और मिठाई वितरित करी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संविधान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। इस मौके पर नवाब मुजाहिद हसन खान, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, योगेश चौरी, जाहिर उद्दीन मुन्ना, मैसर खान, हाजी जुबैर आदि उपस्थित रहे। कोयले से भरी मालगाड़ी की 3 बोगियों में लगी आग। बरेली से मुरादाबाद जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी की 3 बोगियों में आग लग गई। मालगाड़ी नगरिया सादत रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो बोगियों से धुआं निकलता देख हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे मास्टर रफीक अहमद ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद बोगियों में लगी आग को बुझाया। घटना सुबह करीब 8:15 बजे की बताई जा रही है। ई रिक्शा के रूट निर्धारित होने पर चालकों ने किया प्रदर्शन। ई रिक्शा चालकों ने शुक्रवार को शहर में कलर कोडिंग व रूट निर्धारित किए जाने की व्यवस्था का विरोध करा। पुलिस ने सुबह से कार्रवाई शुरू करी तो रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष बिट्टू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। जिलाधिकारी मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए सीओसीटी श्वेता यादव ने ई रिक्शा चालकों और पदाधिकारियों को शनिवार को आने को कह दिया। इस पर उन्होंने करीब 200 ई रिक्शा कोतवाली क्षेत्र में खड़ा करके विरोध दर्ज कराया, जाम लगाने की कोशिश करी। इस दौरान कोतवाली पुलिस फोर्स तैनात रहा। चालकों का कहना है कि केवल 6 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी। बानखाना से 1500 कांवरियों का जत्था कचला रवाना। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना से शुक्रवार को 1500 कांवड़ियों का जत्था कचला घाट जल लेने के लिए रवाना हुआ। इसमें मेरठ से आए धड़कन डीजे पर नाचते गाते हुए कांवड़िये जल लेने के लिए रवाना हुए। कचला घाट से जल लाकर सोमवार को कांवड़िये त्रिवटीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। चूंकि कुतुबखाना पुल के निर्माण के चलते इस जत्थे को नए रूट से गुजरना पड़ा, इसलिए पीएसी आरएएफ समेत कई थानों का फोर्स भी मौजूद रहा। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।